18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो गए हैं। 542 सीटों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को 292 और इंडिया गठबंधन को 233 सीटें मिली है। वहीं नतीजों से इतना तो जरूर साफ हो गया है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रपति भवन में शपथ की तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून को शपथ ग्रहण कर सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं राष्ट्रपति भवन 5 से 9 जून 2024 तक के लिए आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2024 के आम चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद यानी आज बुधवार को रात 8 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के लिए फेयरवेल डिनर होस्ट करेंगे। वहीं हर लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति पर राष्ट्रपति की ओर से केंद्रीय कैबिनेट को फेयरवेल डिनर देने की परंपरा रही है। वहीं 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को खत्म हो रहा है, यानी 16 जून से पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा। वहीं दशकों से यह परंपरा रही है कि प्रत्येक लोकसभा कार्यकाल के अंत में राष्ट्रपति वर्तमान नेतृत्व वाली सरकार के लिए फेयरवेल डिनर का आयोजन करते हैं। वहीं सरकार गठन की प्रक्रिया बुधवार को शुरू हो गई है। मोदी मंत्रिमंडल की सुबह 11:30 बजे आखिरी बैठक हुई। इसमें सरकार ने तीसरी बार जीत को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की। इसके बाद मोदी राष्ट्रपति भवन गए और अपना इस्तीफा सौंपा।